हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड प्रो। मैं हूं शुभंकर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर सीएससी, यानी सीएससी जनसेवा केंद्र आप किस तरह से खोल सकते हो, तो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने पहले बार मेरे चैनल पे आया एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए सीएससी क्या है, आपको तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कर दोगे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। देखिए ये जो वेबसाइट है सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको जनसेवा जाता है। सीएससी के बहुत सारे सर्विस है जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा शॉप ओपन करके आप महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट एंड और भी बहुत प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो एट फर्स्ट आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर अबाउट अस दिया हुआ है। यहाँ पर आके आने के बाद देखिए यहाँ पर सीएससी 2.0 स्कीम, वहाँ पर जैसे आप क्लिक कर दोगे देखिए यहाँ पर की फीचर्स एंड सीएससी 2.0 स्कीम, यहाँ पर सारे के सारे आपको दिख जाएगा। कितने सारे सीएससी है, वीएलई का जो रोल क्या है, वीएलई का जो बेनिफिट क्या है, सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए वीएलई यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर आपको जैसे क्लिक कर दोगे देखिए वीएलई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग किस तरह से एक सीएससी सर्विस ले सकते हो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए सीएससी का जो ऑफिशियल लॉगिन पेज है देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप सीएससी के बारे में जान सकते हो। तो मैं थोड़ा सा सीएससी का जो पोर्टल है पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो देखिए मैं जो सीएससी का पोर्टल है उसको लॉगिन कर लिया एंड यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर देखिए सर्विसेज पे जाना है। तो जैसे ही सर्विसेज पे जाओगे देखिए बहुत से सर्विस यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीकॉम है, यूटिलिटी है, बीबीपीएस है, तो बहुत सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हो एक सिंगल पोर्टल में। और ये जो पोर्टल है बिल्कुल फ्री पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पोर्टल बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो इसको किस तरह से आप ले सकते हो उस वीडियो में मैं बाद में बताता हूँ, पहले इस पोर्टल का थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर गवर्नमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक कर दोगे देखिए जितने भी सारे गवर्नमेंट का यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है इस पोर्टल के थ्रू, तो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कीम यहाँ पर है गवर्नमेंट का, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पास देखिए आप आधार कार्ड का काम कर सकते हो, पैन कार्ड का काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हो, इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो, सारे के सारे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो देखिए बेसिकली ये जो पोर्टल है इसका ओवरव्यू मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको सर्विस मिल जाएगा। ये जो पोर्टल चार्ज आपको बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा किसी को भी देना नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो किस तरह से आपको लेना है तो मैं सारे के सारे वो कवर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो बिना स्किप किए। तो देखिए ये जो पोर्टल है कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है csc.gov.in, यहाँ पर आ जाना है। देखिए एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए .gov.in यानी एक गवर्नमेंट का सर्विस है। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको होम पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप होम पर क्लिक कर दोगे देखिए यहाँ पर कुछ यूजफुल लिंक्स मिल जाएगा, सीएससी न्यूज़लेटर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंडर सीएससी 2.0, इंटरेस्टेड बिकम टू सीएससी एंड डाउनलोड सीएससी सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए सीएससी नेटवर्क साइट, सीएससी रजिस्ट्रेशन रैप पोर्टल, डिजिटल सेवा पोर्टल, डीजीपे, पीएमजी दिशा बैंकिंग, यहाँ से आप HDFC बैंकिंग का CSP भी दिया जा रहा है। तो इस पोर्टल को लेकर आप HDFC का एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी BC पॉइंट ओपन कर सकते हो। जिस तरह से SBI का BC पॉइंट मिलता है उसी तरह से HDFC का भी BC पॉइंट दिया जा रहा है, जो CSC के थ्रू, सिर्फ CSC के थ्रू ही दिया जा रहा है। अगर आप CSC का VLE बनते हो तो ये BC पॉइंट आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो एंड अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। एंड बहुत सारे जो HDFC का सर्विस है वहाँ पर और भी आने वाला है। अगर आपको HDFC का BC पॉइंट मिल जाते तो आप सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हो, बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा HDFC का BC। तो पहले एट फर्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको CSC का जो
आईडी है वो लेना होगा। तो वो लेने के लिए देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीएससी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप सीएससी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दोगे तो देखिए कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ तीन स्टेप दिया गया है। देखिए वीएलई रजिस्ट्रेशन, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप व्यू क्रेडेंशियल एवं देखिए ट्रैक एप्लीकेशन, यानी आपने जो भी एप्लीकेशन किया उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर वीएलई रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में कुछ ऑप्शन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मेल आईडी दिया गया है। तो इस मेल आईडी पे आप मेल करके सारी की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। एंड उसके बाद देखिए एक नंबर भी दिया गया है, तो इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना होगा एंड जो सीएससी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक और सीएससी का भी नंबर है, लेकिन वो नंबर जब तक आप वीएलई नहीं बनोगे तो देखिए ये जो 1800 से नंबर है ये नंबर तभी लगेगा जब आप एक सीएससी का वीएलई हो जाओगे वेरीफाइड, तब आपके नंबर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड सिर्फ आपके नंबर से यहाँ पर कॉल लगेगा, किसी दूसरे नंबर से यहाँ पर कॉल नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए टाइमिंग दिया है 9:30 to 6 PM, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर होम एंड उसके बाद देखिए अप्लाई, तो इस अप्लाई जैसे ही क्लिक कर दोगे देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक रिप्रिंट एप्लीकेशन यूआईडी अपडेट यूआईडी टोकन। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दोगे, तो जैसे यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दोगे देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट फर्स्ट देखिए यहाँ पर तीन कैटेगरी शो हो रहे हैं, सी एस सी वीएलई एस एच जी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और आर डी डी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे अगर आपको सी एस सी वीएलई बनना है तो आप सी एस सी वीएलई में क्लिक करोगे, तो जैसे आप क्लिक कर दोगे देखिए इस तरह का एक एरर मैसेज आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी सी एस सी का जो एप्लीकेशन है नहीं हो रहा है, ये अभी कंप्लीट हो चुका है, जब ओपन होगा तब आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप सी एस सी वीएलई नहीं हो, एस एच जी अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई मेंबर हो एंड इस आईडी को लेना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कोड हो उसको यहाँ पर एंटर करना होगा एंड उसके बाद जो मोबाइल नंबर है देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैप्चर कोड है इसको भर के यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक सी एस सी वीएलई बनना है तो उसका तो अभी एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक दूसरा ट्रिक भी आप दूंगा जिस तरह से आपको आईडी मिल जाएगा सीएससी का। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले आपको सीएससी का जो पोर्टल है वो दिखाया था, उस पोर्टल में जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर 3 डॉट मिल जाएगा, यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सिंपल से आपको यहाँ पर देखिए अकाउंट, इस अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना होगा माई प्रोफाइल एंड उसके बाद देखिए ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे देखिए अभी नो ऑपरेटर फाउंड शो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऐड ऑपरेटर, तो इस ऐड ऑपरेटर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर दोगे देखिए ऐड न्यू ऑपरेटर यहाँ पर एक पेज आ गया, इस पेज यहाँ से आप अपना जो सी एस सी का आई डी है बना सकते हो। देखिए एट फर्स्ट आपको क्या डालना होगा, जो ऑपरेटर का फुल नेम है यानी आपका नेम डालना होगा, आपका ईमेल आईडी डालना होगा, मोबाइल नंबर एंड उसके बाद देखिए आधार नंबर एंड यहाँ पर आपका मेल फीमेल सिलेक्ट करके आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है एंड जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर दोगे एक 1 मिनट के अंदर आपके मेल आईडी पर सी एस सी आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको किसी जो सी एस सी वीएलई ऑलरेडी है उनका हेल्प लेना होगा, तो आपको सी एस सी सेंटर कहाँ पर है आपका नज़दीक में वो कहाँ से मिलेगा, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे ओपन कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है एंड लिखना है सी एस सी लोकेटर, तो लोकेटर लिखकर आप यहाँ पर सर्च करोगे देखिए फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है सी एस सी लोकेटर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक कर दोगे देखिए यहाँ पर फाइंड सी एस सी सेंटर, यानी जो भी सी एस सी सेंटर है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ से आपको चूज करना होगा, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप चूज कर लेना। तो मैं सिंपल से ऐसे वेस्ट बंगाल चूज कर रहा हूँ एंड उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। देखिए मैंने मालदा चूज कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पर पेज को जो लोडिंग ले रहा है। तो उसके बाद देखिए आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट होगा या सारे सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो जो भी आपका नियर बाय सब डिस्ट्रिक्ट है यानी ब्लॉक है उसको आपको चूज करना होगा एंड उसके बाद देखिए वीएलई एड्रेस, तो वीएलई एड्रेस तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो आप सब डिस्ट्रिक्ट भी मत चूज करिए, यहाँ पर आप
से डिस्ट्रिक्ट रहने दीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया हुआ है यहाँ पर फिल करके आप जैसे ही सर्च पर क्लिक कर दोगे तो देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सारे सीएससी सेंटर है सारे के सारे आपको दिख